हेलो एवरीबॉडी, हाउ आर यू? कैसे हो आप सब? प्रीवियस वीडियो में मैंने आपके साथ कुछ बातें शेयर की थी बच्चों के रिलेटेड, कि आप कैसे बच्चों के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में भी मैं आपके साथ कुछ ऐसी चीज़ें शेयर करना चाहती हूँ जिससे आप खेल खेल में ही उनको काफ़ी चीज़ें सिखा सकते हैं। हम लोग क्या होता है कि हम लोग जॉइंट फैमिलीज़ में रहते हैं, तो हम लोग कई बार वो चीज़ें उनको नहीं सिखा पाते। कहीं ना कहीं दादा दादी का प्यार या बड़ों का प्यार या उनकी, हम लोग कह देते हैं कि हाँ ठीक है, वो लोग कह रहे हैं तो नहीं। लेकिन ये हमारी पेरेंट की एक ड्यूटी बनती है कि हम बच्चों को शुरू से ही चीज़ें सिखाएं, है ना। तो मैं आपके साथ कुछ ऐसी चीज़ें शेयर करूंगी, जैसे कि बच्चा अगर स्कूल नहीं जा रहा है ना, वो छोटा है, तो आप उसको शुरू से ही छोटी छोटी चीज़ें सिखाना शुरू कीजिए। जैसे कि अपने टॉयज़ को कैसे उसने निकालना है और कैसे उनको वापस रखना है, और अपने आप को कैसे क्लीन रखना है, क्योंकि अभी क्लीनिंग तो मस्ट हो गई है, क्योंकि हम लोग जिस टाइम से निकल रहे हैं उसमें क्लीनिंग तो मस्ट है। तो आप छोटी छोटी चीज़ों के थ्रू बच्चों को जैसे बड़ों के फीट टच करना, उनको विश करना, जब भी घर पे कोई आता है उनको अच्छे से उनके सामने आपको कैसे अपने आप को हेलो हाय बोलना है, और सब चीज़ें आप उनको सिखा सकते हैं, है ना। तो लेकिन जब बच्चा स्कूल जाने लग जाता है तो हम उसको छोटी छोटी चीज़ें सिखा सकते हैं, जैसे अपने शूज़ पॉलिश कैसे करने हैं, अपनी ड्रेस कैसे, कहाँ से लेनी है, कहाँ से रखनी है, तो अपना बैग मेंटेन कैसे करना है, अपनी बुक्स को कैसे क्लीन रखना है। छोटी छोटी चीज़ें आप उनको बता सकते हो कि ऐसे आप दूसरे बच्चों को भी कैसे आपसे दूसरे बच्चे इंटरेक्ट हो जाएंगे कि जब आप अपने आप को क्लीन रखोगे। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम उनको सिखा सकते हैं, तो ये कोई और बाहर वाला नहीं सिखा सकता। क्योंकि हम लोग सोचते हैं कि सिर्फ इंग्लिश मीडियम स्कूल में बच्चों को डाल दिया और ठीक है, आज कॉम्पिटिशन का टाइम है, हमें वो बच्चों को हमें सिखाना है। लेकिन आप लोग ये मत भूलिए कि हम जो घर पे बिहेव करते हैं बच्चों के सामने, वही वो आगे जाके दूसरों के साथ करते हैं। तो आप लोग भी कोशिश कीजिए, आप लोग भी कोशिश कीजिए कि आप घर पे एक दूसरे के साथ रिस्पेक्ट से पेश आएँ, बड़ों के साथ भी और आपस में भी। जब भी कोई बात करें तो आप बच्चों के सामने कोई भी ऐसी बात मत करें जिससे वो आपको, आपसे वो चीज़ें सीख लें और वो बाहर जाके उसी चीज़ के ऊपर वही चीज़ें रिपीट करें। तो ये पेरेंट्स की भी कुछ ड्यूटीज़ होती हैं कि हम बच्चों के सामने बिल्कुल लड़ाई झगड़ा या किसी को ऊँची आवाज़ में बोलना या कुछ रॉन्ग थिंकिंग या नेगेटिविटी वाली बातें हम बच्चों के सामने बिल्कुल ना करें। यहीं से बच्चे का स्टार्ट होता है। स्कूल में और घर में दोनों जगह बच्चे हमेशा सीखते हैं, क्योंकि बच्चों का माइंड जो होता है बहुत शार्प होता है, और छोटी एज में जो वो चीज़ें सीखते हैं तो वो कभी नहीं भूलते। तो हमें ये चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि उनको कैसे हम खेल खेल में काफ़ी चीज़ें सिखा सकते हैं। जैसे उनको स्कूल जाते हैं तो मोस्टली पेरेंट्स ये बोलते हैं कि नहीं, आपने उसका नहीं खाना, उसके साथ नहीं खाना, चीज़ें शेयर नहीं। ठीक है, अभी वो चीज़ें ज़रूरी हो गई हैं कि बच्चे एक दूसरे के साथ एक चीज़ दूसरे की चीज़ें ना खाएं, लेकिन आप उनको ये सिखाइए कि नहीं बेटा, आपको पहले अपने फ्रेंड को पूछना होता है या कोई बड़ा घर पे आता है तो आप उनको पहले पूछें, ये नहीं कि आप उनके सामने खाना शुरू कर दें, है ना। तो वो शेयरिंग वाली चीज़ आप उनको सिखा सकते हैं घर पे। जब बच्चा शेयरिंग वाली चीज़ सीखता है तो उससे क्या होता है कि उसको ये पता चलता है कि उसने सिर्फ अपने लिए नहीं सोचना, उसने दूसरों के लिए भी सोचना। उनको ऐसे छोटी छोटी स्टोरीज सुनाइए जिससे उनको मोटिवेशन मिले। बच्चों के रिलेटेड बहुत सारी स्टोरीज़ होती हैं, है ना। तो आप सारा दिन उनको स्टडी के रिलेटेड चीज़ें मत बताइए, क्योंकि हम लोगों ने अपने बच्चों के ऊपर इतना स्टडी का प्रेशर डाल रखा है कि वो बाहर की चीज़ें नहीं सीख पाते, हमारी खुद की संस्कृति नहीं सीख पाते, हमारी मदर टंग नहीं सीख पाते। क्योंकि हमें कहीं ना कहीं ये रहता है कि नहीं, हमारा बच्चा तो हर मतलब इंग्लिश बोले और वो इंग्लिश स्कूल में पढ़ रहा है तो उसकी इंग्लिश मस्ट होनी चाहिए। हाँ, कॉम्पिटिशन्स के लिए वो चीज़ें ज़रूरी है, लेकिन अपनी मदर टंग और अपनी अपनी जो संस्कृति है उसको सीखना भी बहुत ज़रूरी है। तो आप उनको मॉर्निंग में उठ के कैसे प्रार्थना करनी है, आप उनको श्लोक, आप उनको जो भी भगवान को आप मानते हो, आप वो चीज़ें भी उनको सिखाइए ताकि वो अपनी संस्कृति के साथ भी जुड़ पाएँ, कहीं वो चीज़ों को ना भूल जाएं। आजकल तो वैसे ही एक ऐसा माहौल बन रहा है कि बच्चे नेट
नेट को इतना यूज़ करने लगे हैं कि उनको मूवीज़ और सब सॉन्ग्स और हर चीज़ों के बारे में नॉलेज है, लेकिन उनको अपने कल्चर के बारे में बिल्कुल नॉलेज नहीं है। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप उनको स्टडी के साथ साथ कल्चर के साथ भी रिलेट करें, क्योंकि अगर बच्चों को बच्चे अपने कल्चर के साथ रिलेट होंगे तो ही वो आगे जाके अपने बच्चों को रिलेट कर पाएंगे। तो हम लोग आज की भागदौड़ में ये चीज़ें सब भूल चुके हैं कि हमें बच्चों को कैसे अपने साथ जोड़ना है और कैसे उनको आगे अपनी आगे आने वाली पीढ़ी के लिए भी उनको तैयार करना है। सो मैं आगे आने वाले और वीडियोज़ में भी ये चीज़ें और डीपली शेयर करती जाऊँगी आपके साथ, क्योंकि जो चीज़ें मैंने ऑब्ज़र्व की हैं मैं चाहती हूँ कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो आप लोग भी मुझे ये कमेंट करके प्लीज़ ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी आप लोग मेरी बातों से सहमत हो या नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे भी पता चलेगा कि आप लोग भी मेरी तरह सोचते हो और आप लोग भी इस इन चीज़ों में से कुछ अच्छी चीज़ें चाहते हो कि हाँ हम बच्चों को करवाएं। सो आज के लिए बस इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो के लिए मैं आपके साथ दोबारा से बात करूंगी। और आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें और मुझे बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। बाय बाय एवरीबॉडी।